होता है? क्या वाकई में चमत्कार जैसी कोई चीज का अस्तित्व है या सिर्फ ये आंखों का धोखा है? ये वाकई में कोई अलौकिक शक्ति है या फिर कोई ट्रिक? यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे। इस वक्त हम न्यूज 24 के न्यूज रूम में मौजूद हैं और मेरे साथ है एक शख्सियत, सुहानी शाह। थैंक यू सो मच सुहानी, वेलकम। सुहानी का दावा है जो बाबा बागेश्वर चमत्कार करते हैं, दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं, इसी तरह से सुहानी भी कर सकती है। जी, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा कैच है। मैं बोलती हूँ कि मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है, ये एक कला है, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई मेरे मतलब ऐसा कोई कृपा या देवी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक कला है और वो कला का प्रदर्शन मैं करती हूँ। यही कला हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो लोग आ रहे हैं, जो चमत्कार दिखा रहे हैं, क्या वाकई में ये चमत्कार होते भी हैं, ये ट्रिक है, आंखों का धोखा है? क्योंकि चमत्कार की अगर परिभाषा आपके सामने रखी जाए तो चमत्कार मतलब वो चीज जो जीवन के नियमों से विपरीत हो, यानी जिनके नियम हमें पता नहीं। जी, तो सुहानी से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे ये लोग चमत्कार दिखाते हैं, आपको आस्था के नाम पर लूटते हैं या फिर भगवान होने का दावा करते हैं। जी, तो सुहानी आज हम न्यूज रूम में जाएंगे, ये न्यूज रूम है, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये काफी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जब हम चमत्कार की बात करते हैं, तो जैसा मुझे इसे हम समझना चाहते हैं कि ये चमत्कार क्या होता है, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हम जादू बोले या चमत्कार बोले, साइंस अगर हम बात करें, अगर हम साइंस को देखें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप दो केमिकलों को मिक्स करते हो तो उसका रंग बदल जाता है। अब हमें पता है कि वो केमिकल्स है, हमको पता है उसके केमिकल कॉम्पोनेंट है, उसको मिक्स करो तो कलर बदलना है, उसमें हमको कुछ लॉजिक लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो कि वो केमिकल्स है, कि वो क्या है, आपको लगे कि हाँ दो लिक्विड है अलग अलग रंग के, मैंने मिक्स कर दिया, कलर बदल गया, जादू। पता चले तो साइंस, नहीं पता चले तो जादू। ठीक उसी तरह आज मैं आपसे बात कर रही हूँ रवि जी, यहाँ पर हजारों संख्या में लोग अभी हमें देख रहे होंगे, जादू। लेकिन हमको अभी टेक्नोलॉजी पता है कि ये माइक है, ये कैमरा है, यहाँ से टेलीकास्ट होता है, वहां पे कुछ लोग बैठे, ये सब आपको टेक्नोलॉजी पता है। आपने वो बाबा बागेश्वर देखे हैं जो? जी देखे, किसने नहीं देखे। अब क्या जब आप उनको देखती हैं क्या जहन में आता है? जब मैं उनको देखती हूँ जहन में ये आता है कि हमने बहुत, आज खाली बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे, बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं, जो हमारे उनके खुद के धर्म की रक्षा करते हैं, सब कुछ। मुझे उसमें वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, वो मेरा जगह ही नहीं है। जो इंटरेस्टिंग जगह वहां पे आती है, जब कोई बोलता है कि हम माइंड रीड कर रहे हैं, वहां पर जैसे ही लोग कोई बोलता है कि माइंड रीड करे, मेरे कान खड़े हो जाते, क्योंकि मैं 25 साल से ये काम कर रही हूं। मैं मतलब मेरा ये मानना है इसमें कि कोई किसी के मन को दिमाग को नहीं पढ़ सकता, मतलब जितनी मेरी समझ है अभी तक, तो मैं ये लाइव देखना चाहता हूँ कि क्या ये संभव है। अब अभी न्यूज रूम में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, मेरे सहयोगी हैं, सीनियर्स हैं, मेरी ये एंकर हमारे साथ देखिए रश्मि बैठी हुई है, खूबसूरत सी आपकी एंकर वहां बैठी हुई है। हाँ, तो ये पूछ रही थी जब आपका नाम सुना कि मैं टेस्ट करूंगी, मुझे विश्वास नहीं है यार, कि मेरा टेस्ट लेना सब जन बंद करो, मैं 25 साल से कर रही हूँ, जाके मेरे YouTube पे वीडियोस वगैरह देखो, बहुत टेस्टिंग हो रही है मेरी। बट ठीक है, आप तो बहुत खूबसूरत है यार, मतलब आपको मेरे पे शक नहीं करना चाहिए रश्मि, ठीक है? शक है भी नहीं, शक नहीं है, लाइव एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस करना है, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग सा आपके साथ, कुछ बेसिक ट्राई करते, मतलब आपका ना माइंड रीड तो हम करते रहते, करेंगे भी आगे लोगों का, लेकिन आपको हम ज्यादा पहचानना चाहते हैं कि आप सोच किस प्रकार की आपकी, तो थोड़ा एक उस सोच में जाने की कोशिश करते हैं। आपके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है छोटा सा, कोई भी खेलने कूदने का, डाइस या मतलब ये पेन कुछ है, देंगे मुझे आप? यू हैव इट विद यू, कैन यू गिव इट टू मी? ठीक है, आप अपने पास रखिए, आप माइक रवि जी आप ले लेंगे इनके हाथ से, ठीक है? मैं चाहती हूँ आप अपने दोनों हाथ पीछे रखें, ठीक है? और जो भी आपके हाथ में चीज है उसका कोई भी एक हाथ में रख सकते हैं, लेफ्ट राइट आपकी मर्जी, और कोई भी एक हाथ में उसको छुपाते हुए दोनों हाथ आगे ला दीजिए। देखो रश्मि जी, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ऐसे कोई व्यक्ति हो जिनको है ना, मतलब अगर आपको किसी पार्टी में डाल दिया जाए तो आप ऐसे कोई पार्टी की जान तो नहीं बनोगे, लेकिन आप कोने में भी नहीं रहोगे, आप अपना एक ऐसे एरिया ढूंढोगे अपने दोस्तों के साथ होकर, अपना खुद का एक वाइब बना दोगे वहां पर, ठीक है? तो मतलब आपसे दोस्ती करना ऐसा दुनिया को लगता है बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो आप हो भी, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी चीज है, मतलब ऐसा आप दिखाते हो कि आप एक ओपन बुक हो, पर आप एक्चुअल में हो नहीं। देयर आर थिंग्स अबाउट यू जो आपके शायद क्लोजेस्ट ऑफ लोग भी नहीं पहचानते होंगे, आप थोड़ी सीक्रेट सोचे सिर्फ अपने मन में रखते हो, करेक्ट? दोनों हाथ आगे करें, किसी भी एक हाथ में जो भी वो ऑब्जेक्ट है वो छुपा दे, छुपा दिया है,
ठीक है, अगर मैंने जो बोला है वो सही है, रिएक्ट नहीं करना, ऐसे दोनों हाथ अलग अलग रखो, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, करेक्ट, नहीं ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट इज लेफ्ट, यू सेड फर्स्ट दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, ठीक है, विच एक्चुअली मीन्स, आप पहले मुझे डायरेक्ट, विच मीन्स दैट आई सेज इन योर लेफ्ट हैंड, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, द डाइस इज इन योर लेफ्ट हैंड, ओपन करके बता दो, करेक्ट, दैट्स द डाइस, एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार तो तुक्का भी लग सकता है, करेक्ट, एक बार फिर से आप दोनों हाथ पीछे कर दीजिए, एनी वन यू कैन, अब आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट से राइट में डाल सकते हो, राइट से लेफ्ट में फिर से रख सकते हो, मुझे ऐसे वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है ना रश्मि, लेकिन आप ज्यादा ट्रैवल करते नहीं हो, करेक्ट, आपके पास शायद ऐसी लिस्ट ऑफ जगह है जहाँ आपको जाना है, ठीक है, पर जा नहीं पा रहे हो आप, करेक्ट, तो वो आपके मन में है अभी, तो इसलिए आप शायद अपना एस्केप अपने काम में या म्यूजिक में ढूंढते हो, करेक्ट, दोनों हाथ आगे कर दीजिए, देखना नहीं है मुझे, देखते रहिए, देखो यूजुअली लोग क्या करते हैं, अगर पहले लेफ्ट में रखा होता है तो दूसरी बार राइट में रखते हैं, बट यू आर समबडी वेरी स्मार्ट और आप चाहते हो कि सुहानी मुझे ना पकड़ पाए, सो दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, और आपने कंफर्म कर दिया अपनी हंसी से कि द डाइस इज अगेन इन योर लेफ्ट हैंड, एग्जैक्टली, खोल के बता देंगे, दैट इज अगेन करेक्ट, डू यू वांट टू डू दिस वन लास्ट टाइम, कुछ और करें, चलो आप किसी और के साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है कि आपने एक अजम्पशन किया और दोनों का ठीक बैठा, ये भी हो सकता है, अजम्पशन तो दुनिया चल रही है, अजम्पशन पे तो आप पूरे इलेक्शंस के रिजल्ट्स निकालते रहते हो, बच्चे भी ट्राई करते हैं, चलिए फिर करते हैं एक और टेस्ट, लेट्स डू सन, ठीक है, ये प्रशांत जी हैं, तो प्रशांत जी के साथ हम, प्रशांत जी, प्रशांत जी आप तो दिखते ही बहुत गंभीर किस्म के हो यार, लेकिन हूं नहीं, लेकिन आप हो नहीं, ठीक है, जैसे मैं दिखती नहीं हूँ पर मैं हूँ थोड़ी गंभीर, लोग मानते नहीं है, लेकिन प्रशांत जी आप कुछ सोचिए ना, मतलब आप ही सोच लीजिए, सोच लिया, तो प्रशांत जी पता कैसे, प्रशांत जी जवाब नहीं सोचते, प्रशांत जी सवाल ही सोचते हैं, तो जहां तक मैं समझती हूँ आपके दिमाग में मेरे लिए प्रश्न है, करेक्ट, तो प्रश्न सोच लीजिए, हम कोशिश करेंगे, देखो मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, मेरा चीज़ें जो भी करती हूँ गलत भी आ सकता है, ठीक है, मेरा कोई ऐसा 100% नहीं है, बट विल ट्राई, तो आपके मन में मेरे लिए सवाल है, बिल्कुल, पर आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो यार ये एक या दो सवाल है, दो सवाल है आपके मन में, कि एक सवाल है कि क्या है ये, नहीं मेरे मन में एक्चुअली क्या है कि मैं जानना चाह रहा था कि आप बताओ मत ना, मैं बताती हूँ, हाँ, तो मैंने अपने दिमाग को इस समय खूब कंफ्यूज करा हुआ है कि मैं आपको कंफ्यूज कर सकूं, मैं वही बोली, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे, इतने नंबर्स आपके दिमाग में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वाकई बात, आप मेरे को क्यों चैलेंज कर रहे हो यार, मैं आपको नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई दिमाग को पढ़ा जा सकता है, दुनिया का कोई भी शख्स आपके दिमाग में नहीं घुस सकता, ये मैं बोल रही हूँ, पर अभी मैं ये करने वाली हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो एक कला होगी, ठीक है, मैं बहुत क्लियर शब्द में बोलती हूँ कि जो मैं कला करती हूँ वो एक कला है, मैं एक कलाकार हूँ, मैं जो कला, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, मैं एक जादूगर हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ, और मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या है कि अभी अपने अपने मन में, क्योंकि आपके चेहरे पे दिख रहा है कि अभी आपने अपने मन में इतना कंफ्यूजन डाल दिया है, आपने इतने सारे नंबर्स डाल दिए, क्योंकि ये इतने सारे नंबर एक सवाल में नहीं हो सकते, इसलिए मुझे लगा कि शायद दो तीन सवाल है आपके दिमाग में अभी, के एक ही सवाल है, नहीं दो सवाल, दो सवाल है, ठीक है, तो एक काम करो आप एक सवाल पे आ जाओ सर, दो सवाल एक साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, अब देखो ये होता है जो ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम एक न्यूज रूम में घुसते हैं और तो पॉलिटिकल बातें बहुत ज्यादा होती हैं, आपके दोनों ही सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, करेक्ट, एक सवाल पूछते हैं आपका पहला वाला, दूसरा वाला, आपका जो पहला सवाल है वो 2024 के इलेक्शन से संबंधित है, बिल्कुल, और आपका सवाल मुझसे ये है, आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि वो इलेक्शन कौन जीतेंगे, बिल्कुल, ये आपका सवाल था, ठीक है, आपके दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं सर, मैं इधर हाथ रख दूं चलेगा, आपके दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं, आपका दूसरा जो सवाल है वो 2023 से इसी साल से संबंधित है, बिल्कुल, इस साल भी कोई इलेक्शन होने वाला है, 9 नंबर आपके दिमाग में, 9 राज्यों के इलेक्शन है ये साल, तो वो 9 राज्यों के इलेक्शन में किसका, मतलब एक तो आप हिंदी सोच रहे इतना और हिंदी के इतने स्पष्ट शब्द मुझे नहीं आते होंगे, किसका वो मतलब किसका स्ट्रांग रहेगा, किसका पल्ला भारी रहेगा, ये पल्ला भारी शब्द आप मन में सोच रहे थे, करेक्ट, थैंक यू सर, ये सुहानी लेकिन मुझे तो आश्चर्य कर गया, ये मैं जानता हूँ कि एक मैजिशियन या एक कलाकार अपनी ट्रिक कभी किसी दुनिया को नहीं बताता है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस चीज को समझें, करेक्ट, कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, कि आप किसी के माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं,
जैसे मैंने कहा कि अगर आप सर्च करेंगे जादू के बारे में, हमारे देश में ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे नृत्य एक कला है, डांसिंग एक कला है, डांस के अंदर सालसा होता है, भरतनाट्यम होती है, कुचिपुड़ी होता है, कंटेम्प्रेरी होता है, ठीक उसी तरह जादू के भी कई प्रकार हैं। उसके अंदर स्ट्रीट मैजिक होता है, एस्केपिज्म होता है, ब्लाइंड फोल्ड मैजिक होता है, मेंटलिज्म होता है, इल्यूजन होता है, पिक पॉकेट, अलग अलग जॉनर है। तो मैं जो अभी कर रही हूँ उसका नाम है मेंटलिज्म। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ दिखेगा कि ये एक आर्ट फॉर्म है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर आर्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटलिस्ट नहीं है, कुछ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो इसी के अंदर मेंटलिज्म में क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं, उनके हाव भाव समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन समझते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम समझते हैं। थोड़ा ट्रिकरी होता है, थोड़ा माइंड अंडरस्टैंडिंग होता है, बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होता है। एग्जैक्टली क्या होता है वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि उससे मेरी कला को डिस्पेक्टेड है। एक तकनीक है, तकनीक है जिसे कोई भी व्यक्ति हासिल कर ले तो उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है और बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है। बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है, वो बात तो है, पर लोग, मैं मानती हूँ, उसको जितना सच्चाई के साथ करें, कला को समझ कर करें, तो इस कला को और इज्जत मिलेगी। आप देखते हैं कितने लोग बोलते हैं अरे ये तो जादू तो ना है, इसको कौन ध्यान देता है। मैं जब छोटी उम्र में, मैं 25 साल से कर रही, तो जब मैं बड़ी हो रही थी, कितने लोगों ने मुझे बोला, मेरे माँ बाप को बोला, लड़की है, स्कूल नहीं जाती, इससे शादी कौन करेगा, ये क्या कर रही है जीवन में। क्योंकि ये कला को हमने ऐसे देखने लग गया कि हाँ ये तो कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। आज इतनी हमारे देश की जो प्राचीन कला है और इतना इंटेलिजेंट ये आर्ट फॉर्म है, उसको लोग नीचे देखने लग गए, और वो गलत है। मैं जो जादू करती हूँ, मेरा जो पूरा ग्रुप है, जितने भी हमारे मैजिशियंस हैं इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपके सामने जब एक सिक्का गायब होता है, वो सिक्का गायब 3 सेकंड में होता है, लेकिन वो 3 सेकंड का सिक्का गायब करने के लिए उस जादूगर ने 3 महीने मेहनत करी है। हम तो सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या इस कला के जरिए लोग इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। जरूर खेल सकते हैं। अगर मैं ये जो उनसे जवाब दिया, वो मन में कुछ, उन्होंने ये दोनों सवाल सोचे, वो कुछ और भी सोच सकते थे। वो सोच सकते थे कि मेरे माता पिता के घर में क्या चल रहा है, या वो ये सोच सकते थे कि मेरे को ये बीमारी होती तो कैसा, मैं वो बता देती, और कला की जगह मैं उसको अगर कोई और नाम दे देती तो मैं अंधविश्वास को और बढ़ावा दे देती। एक और टफ चैलेंज आपको देते हैं। आप मेरे को चैलेंज क्यों दे रहे हो? विपनेश के बारे में कहा जाता है कि इसके मन को कोई नहीं समझ सकता। विपनेश बहुत खूबसूरत हो, आप आ जाओ। ठीक है, थैंक यू स्वानी, और तुम खुद भी बहुत क्यूट एंड खूबसूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम्हारी कला की हम बहुत कद्र करते हैं। थैंक यू, बस यही चाहिए। मैंने इंस्टा पर देखे है, ट्विटर पे देखे है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है ये इतनी आसानी से नहीं आता, एक तपस्वी की तपस्या होती है ना, वैसे ही तुम्हारा वर्क है, आई नो। थैंक यू। जितना मैं समझ रही हूँ, अगेन विपनेश, आप कुछ चाहते नहीं हो कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आपके भी मन में एक सवाल है। और आप मेरे को क्यों सवाल पूछ रहे हो? बट ठीक है, आपके मन में एक सवाल है, जैसे सर के दिमाग में सवाल था, आपके मन में भी कोई सवाल ही है। मैं काफी देर से वही सोच रही हूँ, और लिख के तुमने फाड़ भी दिया है उसको। मैंने लिख दिया, तुमने फाड़ दिया, पर मेरे को बताया नहीं ना, मैंने पढ़ा भी नहीं। आप क्यों बताओगे? करेक्ट, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई सेटिंग करके रखी है पहले से, या मैंने किसी से बात करके रखी होगी, तो मैं हमेशा क्लेरिफाई करती हूँ, मैंने किसी से इनसे बात नहीं करा, मैंने इनको बोला नहीं है कि आप मुझसे कोई सवाल पूछो, ना इन्होंने मुझे बताया। और वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी सच्चाई स्टेक पे क्यों लगाएगा मेरा करियर बनाने के लिए? लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से मुझे मालूम होना कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है, वो असंभव नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, पर हम कोशिश करेंगे। डेफिनेटली स्वानी को तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर सकते। आपके मन में एक सवाल है, अभी मैंने उनसे बात करी, उनके मन में कुछ नंबर्स थे, आपके दिमाग में भी नंबर्स चल रहे हैं। पहला नंबर आपके दिमाग में 21 है, दूसरा नंबर 22 है, तीसरा नंबर 23 है। ये 3 नंबर्स आपके दिमाग में। She's correct. 21, 22, 23. Yes. क्या आपका सवाल है कि 21, 22 तो अच्छा गया, लेकिन 23 में क्या होने वाला है मेरे जीवन में, ऐसा कुछ सवाल है आपका? My God, amazing. जोरदार ताली, जोरदार ताली। That's great. हाँ, ये 23 कैसा रहेगा? लोग जो ये भविष्य जानना चाहते हैं मेरे से, मैं आपका जो न्यूज 24 चैनल, जिसको इतने सारे लोग देखते हैं, उसके माध्यम से ये चीज बताना चाहूंगी। उन्होंने भी जो मन में सवाल पूछे मेरे लिए, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे। आपका जो मन में सवाल आया मेरे लिए, जैसे मेरे को देखा आपने, आपने एक सवाल सोचा कि सुहानी मेरे को बताओ यार कि मेरा ये साल कैसा जाएगा, तो मैं आपके सवाल बता सकती हूँ कि आप क्या सोचा, आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं बता सकती हूँ। लेकिन एक चीज जो आपको
और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, किसी को कोई नहीं बता सकता, वो ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है आपका भविष्य। मैं आने वाला कल नहीं जानना चाह रही थी, मैं सवाल जानना चाह रही हूं। सवाल जानना चाह रही हूं। करेक्ट करेक्ट, आप सही हो, लेकिन ये लोग पूछते हैं। तो मैं जो हमारे इस माध्यम से कोई मिला, तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलनी है कि आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। जितना हाँ लोगों के पास आप जाओगे, लोग आपको बोलेंगे सकारात्मक सोचो, ये करो, आपका हो जाएगा। इससे आपका माइंडसेट चेंज होता है, इससे आप और पॉजिटिव बन जाते हो, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आपको, आप सोच रहे हो कि कोई व्यक्ति आपको आके बता देगा कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, या कहीं लिखा है कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, या मैं ये करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो जो विश्वास आप दूसरी चीज़ों में डाल रहे हो, आपके विश्वास में बहुत ताकत है। वो विश्वास दूसरी चीज़ों में डालने की बजाय खुद पे डाल के खुद को ताकतवर बनाना बहुत जरूरी है। आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। सैल्यूट टू योर आर्ट यार, रियली ग्रेट। ये इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि कोई भी धर्म है वो आपके अंदर अगर अंधविश्वास देता है, आपके अंदर अगर कट्टरवाद देता है, तो आप उन मुल्कों की तरफ देख लीजिए जहाँ कट्टरवाद है, जहाँ पर अंधविश्वास है, उन मुल्कों का क्या हुआ। और जिस जो भी धर्म आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है वो कहा जाता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपके अंदर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दें। जो भी चमत्कार होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई नियम है। वाणी का अपना टैलेंट है, आर्ट है, और ये चेहरे पे स्माइल लाता है। और जब तक आपको वो नियम नहीं पता है, जब तक आपको वो नियम नहीं पता है, तो आपके लिए वो चमत्कार है। जैसे ही नियम पता लगा, फिर आप कहेंगे साइंस है, ये मैथमेटिक्स है, ये केमिस्ट्री है। रवि के मन में कुछ पर्सनल है, वो जरूर बता दो। रवि के मन में अभी बहुत स्ट्रेस है, इसलिए मैं रवि के पास गई नहीं। रवि इतना स्ट्रेसफुल चल रहा है अभी, इट्स फुल केओस राइट नाउ इन हिज हेड। उधर विजय जी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी आप उनके ऐसे तो सबके सबका माइंड हम अभी रीड करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं, जैसे अभी आपने कहा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं अंधविश्वास की, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि धर्म होता है इंसान को ताकतवर बनाने के लिए। कोई भी धर्म होता है, अगर हम धर्म को ध्यान से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो धर्म होता है कि हम ताकतवर बने, धर्म के माध्यम से हम और स्ट्रांग बने, हम स्पिरिचुअली एक्टिव बने, हम रिलीजियसली एजुकेटेड बने, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। किसी भी तरह से हमको कमजोर बनाने के लिए कोई धर्म बना ही नहीं है। सो वी शुड बी डूइंग दैट। एक और सवाल कि ये जो सम्मोहन की बात होती है, चलते आगे, हिप्नोटाइज की बात होती है, रवि थोड़ा हम बैक जाएंगे। अच्छा, ये विजय जी स्पेशल डिमांड कर रहे हैं, बार बार पीछे से हमें हाथ दे रहे हैं। दो मिनट में करते हैं, विल फिनिश दिस एंड डू इट। चलिए विजय जी, आपके पास लौटते हैं जी। चलिए, तो ये सम्मोहन की बात होती है, क्या ये वाकई में संभव है कि सम्मोहन हो जाता है, किसी से कुछ भी बुलवा दिया जाता है, कुछ भी महसूस करवा दिया जाता है? सम्मोहन विद्या, जिसे हम इंग्लिश में हिप्नोसिस कहते हैं, वो एक बहुत ही अलग चीज हो गई। सम्मोहन हिप्नोसिस हमारी जिंदगी का पार्ट है। जब हम किसी को बहुत अच्छा स्पीच सुनते हैं, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, वो हिप्नोसिस है। चाहे वो अब अपने मम्मी पापा हो, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कोई रिलीजियस गुरु हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, वो उसे हम बोलते हैं मास हिप्नोसिस। जैसे पर्सनल भी होता है, हर तरीके हिप्नोसिस हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। अब लेकिन हिप्नोसिस हमारे माइंडसेट, जैसे मैंने क्लिनिक चलाया है गोवा में, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट रह चुकी हूँ, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है जो हिप्नोसिस से रिलेटेड है, जिसे हम क्योर करते हैं। मैं हिप्नोसिस को हिप्नोथेरेपी से रिलेट करती हूँ, और मैंने जितने भी हिप्नोथेरेपी सेशंस किए वो एस हीलिंग करे, लोगों को क्योर करने के लिए करे। मैं मानती हूँ इलाज भी होता है। करेक्ट। इनफैक्ट जब कोई, जैसे हम देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जब बोलते हैं कि, मैंने एक उनका एक एक, एक वीडियो मैंने छोटा सा देखा था उनका, जहाँ पर वो किसी से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप को कोई बीमारी है, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू रखें, जो 20% आराम मिलेगा वो मेरी वजह से मिलेगा। जो भक्त है उनको इतनी श्रद्धा है शास्त्री जी पे, कि जब वो ऐसा बोलते हैं कि 20% का जो फायदा है वो मेरे से मिलेगा, उनका जो माइंडसेट है जो भक्त का, वो चेंज हो जाता है। वो जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी हो जाती है, जो 20% प्रॉब्लम मेंटली होती है वो ठीक हो जाती है। वो एक तरीके का हिप्नोसिस ही हुआ। ट्राई करें, यहाँ पे दो कुर्सियों को इस्तेमाल करेंगे हम। ये है मेरी सहयोगी अभिलाषा। हेलो अभिलाषा, कैसे हैं आप? गुड टू मीट यू। कुछ इनके बारे में अभिलाषा, आपके साथ हम एक छोटी सी चीज ट्राई करेंगे जो आपके विल पावर के ऊपर बेस्ड होगी। हमारा, हम लोगों को बेसिकली, मैं बता रही हूँ, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो कितना स्ट्रांग होता है, और कैसे सम्मोहन विद्या का हम एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। कुछ भी डरावना नहीं होगा आपके साथ, कुछ आप भी कहना चाह रही है कि आप मुझे सम्मोहित कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन पावर कंट्रोल ऑफ माय माइंड, इट विल बी पावर ऑफ योर माइंड, योर ऑफ योर माइंड, विल ट्राई। कम, आपको मेरे पे भरोसा है?
मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सम्मोहित होंगी, बिकॉज आई फील दैट ओनली म्यूजिक कैन हिप्नोटाइज मी, व्हिच इज ग्रेट. नाउ आई अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप बोलते हो, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली आपने, जब भी कोई बोलता है कि मैं सम्मोहित नहीं हो सकती, दुनिया का कोई भी आदमी आपको सम्मोहित नहीं कर सकता. ग्रेट, करेक्ट. ये आपको नहीं, ये सबको समझना है कि कोई सोचता है अंधविश्वास में कि यार कोई मेरे सामने आ गएगा, यू घुमाएगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी. कोई आया था उसको सम्मोहित करके मेरे जेवर चुरा लिए किसी ने. ये कहानियां बहुत सुनते हैं हम, उसकी असल सच्चाई हम बहुत कम लोगों को पता होती है. लेकिन कोई भी इंसान आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता अगर आप खुद हिप्नोटाइज नहीं होना चाहते. तो अगेन इट इज गोइंग टू बी पावर ऑफ योर माइंड. मैं जो करूंगी, मैं जो भी करती हूँ, मैं बहुत क्लियर बता के करती हूँ. मेरे पीछे कोई फिल्टर नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है. तो बहुत आसानी से ये चीज होगी. मुझे विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स के लिए उसके पीछे एक सीख होगी जो इस सम्मोहन के बाद अभिलाषा अभिलाषा ही रहेगी, कुछ और तो नहीं होगा. अभिलाषा और थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगी. इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो ये कर पाएंगे, और इसके बाद यू विल फील इवन मोर बेटर, यू विल फील इवन मोर पावरफुल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, वी विल ट्राई दिस. तो आप यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया, मेरी टीम काफी स्मार्ट और फास्ट है, बड़े अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया. अभिलाषा मैं चाहती हूँ आप इस कुर्सी पे बैठेंगे. ठीक है, सिट हियर. सुकांश आप मेरी मदद करेंगे. अभिलाषा ओके, नर्वस नहीं हो रहा है, बहुत रिलैक्स होके हम ये करने वाले. ठीक है, मैं चाहती हूँ आप इस तरफ टर्न हो जाइए मेरी तरफ. चेयर ऐसा कैसे ही रखे, चेयर वैसे ही स्ट्रेट रखे, आप खाली टर्न हो जाइए मेरी तरफ, पूरा टर्न हो जाइए इस तरफ, फुल टर्न, टर्न टर्न टर्न. थोड़ा सा आगे आ जाइए चेयर पे, सीट पे, दोनों पैर इसके ऊपर रख दीजिए. कंफर्टेबल है आप? पीछे लाइट डाउन करेंगे अभिलाषा. आई हेल्प यू, आई हेल्प यू. हो जाइए, हो जाओ, 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 हो जाओ. पीछे कर दो थोड़ी सी सीट. कंफर्टेबल, शोल्डर सपोर्टेड. अभिलाषा दोनों जो हाथ है इधर रख लीजिए. हम स्टार्टिंग में रश्मि जी से मिले थे, या कोई भी आप आ जाओ इधर, कोई भी महिला इधर आ जाओ. आप इधर ही वेट करेंगे, जब मैं आपको बोलूंगी क्या करना है तब आप वो करेंगे. ठीक है अभिलाषा जी, माइक हटा दीजिए, मेरे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी. मतलब मैं मेरा माइक थोड़ा सा देर के लिए म्यूट करूं, क्योंकि मुझे खाली अभिलाषा जी से बात करनी है और किसी से नहीं. ओके, मैं जब तीन बोलूंगी very different kind. Breathe कर लो पहले आप. I think I was in trance, some kind of trance. रुचि जी, आप देखो आपको कुछ भी हुआ, रश्मि सॉरी, देखो जो भी है आपको इन्हों ब्लेम करना है, ये आपके ऊपर बैठे थे पूरा अपना वज़, आप क्यों, एक सेकंड, मैं कर रही हूँ, हो रहा है इनके साथ है, आप क्यों इतना घबरा रहे थे? Because I was thinking कि मेरा पूरा वेट और सर, इनको मालूम भी नहीं है कैसा फील कर. She was doing, she was so strong, she was amazing. मतलब इनका बॉडी. हाँ, अब आप बता सकते हैं आपका अनुभव. आई थिंक जब आपको कोई एक पर्सन कंटिन्यूसली गाइड कर रहा है, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, योर बॉडी इज गेटिंग हार्ड हार्ड हार्ड, लकड़ी की तरह है, लकड़ी की तरह है, तो आप
शायद ये सब कुछ ब्रेन में है, और कब ये बॉडी हार्ड हो गया ये मुझे नहीं मालूम, कब ये मुझ पर बैठ गई ये भी मुझे नहीं मालूम, चेयर कब खींचा गया और मेरी बॉडी का क्या हुआ, वो स्टैंड ले पाया नहीं ले पाया, दैट आई डोंट रिमेम्बर, बट आई वॉज फीलिंग लाइक इल्यूमिनेटेड, मतलब एक बहुत ज़्यादा हीट महसूस हुआ मुझे. आई थिंक दैट वॉज एनर्जी विच शी वॉज पासिंग थ्रू ऑन मी, एंड आई थिंक इट्स साइंस. राउंड ऑफ अप्लॉज बट फॉर यू आर अमेजिंग. आपने जो फोकस रखा बीच में, बस एक बार मुझे लगा कि आप थोड़ा घबराए या डिस्ट्रैक्ट हो गए, एंड देन यू ब्रॉट इट बैक. आप फुल फोकस आपने ला दिया था, वो बहुत मुझे बहुत अमेजिंग लगा, बिकॉज आपको पता भी नहीं था क्या होने वाला. यूजुअली लोग प्रिपेयर्ड होते हैं या आते हैं ऐसा प्रिपेयर होकर कि हमें कुछ चाहिए, तो दे हैव बेटर आइडिया. यू डिडंट हैव एनी आइडिया, येट यू वर सो स्ट्रांगली, यू डिड इट सो वेल, सो इट हैपेंड विद यू, और ये आपके साथ हुआ और आपकी वजह से हुआ. सुहानी, मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ. आपने कहा कि आप ये एक्ट जो है सिर्फ थेरेपी में करती हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने न्यूज 24 पे ये किया. ये आपने कहीं नहीं किया है, ये आपने न्यूज 24 पे किया और एक जर्नलिस्ट के सामने किया. क्योंकि मेंटल हेल्थ की हम इतनी बात करते हैं हमारे देश में, और मुझे लगता है कि इस तरीके के एक्ट्स की जरूरत है जिसमें इंसान इतनी पॉजिटिविटी से भर जाता है कि वो किसी भी मेंटल एगोनी से, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से, साइकोलॉजिकल इश्यूज से बाहर आ सकता है. जैसे अभी जो था, इसे बोलते हैं माइंड ओवर मैटर. हम मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग है, और कभी कभी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को हम इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो हमारी बॉडी को ओवरकम कर लेती है. बहुत बार आप देखते हैं कि लोग कहीं जाते हैं, लोग ऐसे हाथ लगाता है इंसान गिर जाता है, या कोई ऐसे हाथ लगाते हैं बोलते हैं आपका दर्द ठीक हो गया, तो वो ठीक हो जाता है. जिसे हम कभी कभी प्लेसिबो इफेक्ट बोल दो, किसी को अब हिप्नोसिस बोल दो, अलग अलग टर्म्स होते हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती है. वो सब यही होता है, पावर ऑफ योर ओन माइंड. जैसे जो पेन है, जो वूंड, अगर मुझे कोई यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पे कोई मारता है या मेरे को यहाँ पे कट आ जाता है, तो ये वुंड जो है, जो मुझे लगी है, वो सत्य है, लेकिन इसका जो पेन है वो साइकोलॉजिकल है. एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी, कि आप ये सब कुछ जो कर रही हैं जी, ये सीखा कहाँ से? क्योंकि जब कोई बाबा करता है तो कहता है मैंने तपस्या की है, मैंने मंत्र उच्चारण किए हैं, मैंने सिद्धियां हासिल की हैं. अगर किसी आम व्यक्ति को यही आर्ट सीखना है तो कैसे परस्यू करे, क्या इसका प्रोसेस? मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रहा है, क्योंकि जहाँ तक लोगों को मेरी स्टोरी पता ही है, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद मैं खुद कभी कोई स्कूल नहीं गई हूँ. स्कूल नहीं गई कभी? मैं स्कूल ही नहीं गई, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ही स्कूल गई हूँ. अहमदाबाद के माउंट कार्मल स्कूल में मैं पहली तक पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई, क्योंकि मेरे जादू के शोज करने मैंने शुरू कर दिए थे. तो मेरी जितनी भी सीख रही है वो लोगों से रही है, क्योंकि अब मैं 7 साल की हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ, मेरे टुकड़े हो रहे हैं, मैं हवा में उड़ के आपके ऊपर आई हूँ, तो लोगों को लगता है कि बच्ची में कोई देवी शक्ति है या ये पुनर्जन्म का कुछ है. तो जब मेरे को शो के बाद लोग आके मिलते थे, बोलते थे कि जादू साहब हमें ठीक कर दो, ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को, कुछ है पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट, अलग अलग बीमारियाँ, लेकिन पार्किंसंस का बीमार, बहुत सारी बीमारियाँ, लेकिन लोग मेरे पास आते थे ये समझ कर के मैं जादू से उन्हें ठीक करूँगी. तो जादू से कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता. हम एंटरटेन कर सकते हो, आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, आपको सही राह दिखा सकते हैं, पर जो ठीक है वो एक डॉक्टर करता है, आपकी खुद की सोच आपको करती है. आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं? ईश्वर पे तो विश्वास करते ही है, सृष्टि बनाई है, तो मतलब हम तो है ना, ईश्वर है. मैं एक सुप्रीम एनर्जी, कभी मन में ख्याल आया कि हजारों बाबा ऐसा करते हैं, हजारों हर धर्म के, चाहे वो ईसाई धर्म से हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम हो, हर जगह है वो, इस तरह के लोग मिले, ख्याल नहीं आया कि मैं ये करूं और एक बहुत बड़ा साध्वी बन जाऊं, ये सब कमा लूं, ऐसा कुछ? बचपन से बहुत ये मैंने खुद ने सोचा कि नहीं, सर लोग बहुत आए मेरे पास, मेरे पास देहरादून से स्वामी आए थे जो चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, और मैं वहाँ पे ऋषिकेश में खुल दूं. मैं गई भी थी, मैं ऋषिकेश गई, उन्होंने मुझे बोला भी कि वहाँ पे आप बैठ जाओ और आप ऐसे अपना प्रवचन देना शुरू कर दो, बातें करना शुरू कर दो, तो वो हुआ भी है. अब इतने ज़्यादा किस्से हैं मेरे पास कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने बोला है कि आप प्रवचन देना शुरू कर दो, ऐसा कुछ कर दो, किसी का माइंड रीड कर दो, लेकिन देवी बन जाती है आप, देवी, हाँ देवी सुहानी. लेकिन एक चीज़ जो मेरे को बचपन से पता है और मैं बचपन से हमेशा से मानती आ रही हूँ, और ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं 8 साल की थी, 7 साल की थी, लोगों ने बोला ये तो देवी शक्ति है, ये तो कुदरत की कृपा है, मुझे पता था कि मैंने इसके पीछे कितनी मेहनत करी है,
मुझे पता है 10 महीने मेरे माँ बाप ने, मैंने, मेरे भाई ने स्ट्रगल किया है कि मैं एक शो कर पाऊँ, मैं मेरा पैशन फॉलो कर पाऊँ। और एक चीज़ जो मैं मानती हूँ हर धर्म सिखाता है, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। सनातन धर्म की बात करें तो 6 पिलर्स पे खड़ा है सनातन धर्म, और उसका जो सबसे पहला पिलर है वो है ट्रुथफुलनेस, वो है सच्चाई। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि सच तो मैं हमेशा बोलूँगी। ठीक है, अबे ये एक लड़की आपको बार बार देख रही है मुझे लग रहा है इसके जहन में कुछ सवाल है, कुछ शंका है। आप है ना ब्लश कर रहे हो, क्या नाम है आपका? मोहसिना, आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्या आप अपने, तो नहीं गई हो कहीं, मतलब नहीं, डर ही नहीं। आप अपने मन में किसी का नाम सोच रहे हो? मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई है जिसका आपने देखा कि आप उनका नाम सोच रहे हो, पर यूजुअली मेरे पास इतने लोगों के नाम है नहीं। हाँ, मैंने ऐसी रैंडम एक नाम सोचा। अच्छा, रैंडमली सोचा है, ठीक है। ऑफिस से ही है ऑफिस में जिनको आप कुछ, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ रैंडम हमेशा जब बोलते हैं कोई रैंडम है तो यूजुअली वो रैंडमनेस कैसे निकलती है, या तो आप उनको पसंद करते होंगे, या तो आप उनसे इंस्पायर होंगे, या तो आप उनको ना पसंद करते होंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं कि पसंद, अच्छा पसंद करते हो तो बता दो, मतलब ना पसंद भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह की हंसी आप उनको पसंद या इंस्पायर हो ऐसा ही कोई नाम है? ना पसंद मैं किसी को नाम अपने मन में सोचेंगे? आपने दो नाम सोचा, एक नाम सोचा और उसके आगे सरनेम सोचा या कुछ और सोचा? तो जो भी आपने सेकंड वर्ड सोचा वो निकाल दो, खाली फर्स्ट वर्ड सोचो। अच्छा, अभी आपने बोला कि सेकंड वर्ड है ना वो सरनेम नहीं था, ऐसा मन में आपने बोला कि नहीं ये सरनेम नहीं है, ऐसा बोला आपने, तो वो सरनेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपने मैडम या सर है, राइट? तो आपने मन में बोला टक मैडम सर, ऐसा जो भी नाम मन में सोचेंगे, मैडम सर जो लगा दो लगा के सोचो, इतनी रिस्पेक्ट है आपको उनके प्रति कि आप उनको अकेले फर्स्ट नाम से नहीं बुला पा रहे हो। ओके, यस। सुकेश सर का है, सुकेश सर, सुकेश जी, सुकेश सर के बारे में सोच रही है। ओह माय गॉड, आई एम सरप्राइज्ड, या राइट, सुकेश सर। तुम बताया तो नहीं पहले? नहीं, मैंने नहीं बताया सब। मैं एक चीज हमेशा बताती हूँ, हम इन लोगों से पहले नहीं मिले हुए हैं, ना मैंने इनको पैसे दिए कि आप मेरे लिए एक्टिंग करो टीवी पे, ये अपना जमीर क्यों बेचेगी मेरा करियर बनाने के लिए। मैं बड़े बड़े कलाकारों के साथ करती हूँ, मैं मेरे लाइव शोज करती हूँ, मैं 25 साल से यही करती आ रही हूँ, और ये कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है। कोई एक्टिंग नहीं कर रहा यार, कोई दुनिया के कोई लोग एक्टिंग नहीं कर रहे कि यार हम सुहानी के लिए जाके एक्टिंग करते हैं सरप्राइज होने की, कोई मेरा करियर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने और जितने भी जादूगर हमारे देश में हैं वो बहुत मेहनत करते हैं इस आर्ट फॉर्म को। जब आप ये देखती हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ है इसी तरह के ट्रिक्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड सुकेश जी को नमस्ते बोलिए मेरा। जब आप इस तरह की ट्रिक्स देखती हैं जी, तो आप जैसे कलाकार जो ये ट्रिक्स जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है जी, क्या जहन में आता है, क्या इनिशिएटिव लेते हैं? मैं कुछ इनिशिएटिव नहीं लेती, मैं, मेरा काम है मेरी कला के साथ रहना, मेरा काम है मेरी कला के साथ रहना, मेरा काम है मेरी कला को बचाना, और मैं वही करती हूँ। ना मैं उसे कुछ ज़्यादा कर रही हूँ, ना मैं कुछ कम कर रही हूँ, मतलब मैं एक कलाकार हूँ, मेरा कला ही मेरा भगवान है, मेरा कला ही मेरा धर्म है, ये देश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर कुछ करने का, तो बस मैं वही करती हूँ। कोई और अगर कुछ कर रहा है, अगर कोई और मेरी कला मतलब मैं मेरी कला नहीं बोल रही, जो भी लोग जादू लगा रहे हैं उन सबकी ये कला है, तो अगर कोई दूसरे व्यक्ति भी ये चीज़ कर रहे हैं, मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि ये कला का दुरुपयोग ना हो, लोगों की कमजोरी का फायदा ना उठाया जाए, यही बस। हालांकि मुझे पता है सुहानी के पास, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जब से आपको इंटरनेट पे देखा है। अब हम मेरे सहयोगी सवाल करेंगे, ट्रिक नहीं, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं विजय जी की, इनके बारे में शंका है। मेरे दिमाग में कौन सा सवाल चल रहा है पिछले 10 मिनट से, ये सर मैं कब से लोगों के सवाल ही बताए जा रही हूँ। अब आप एक काम करो, मुझे सवाल पूछ लो, क्योंकि अब मेरा टेस्टिंग बहुत हो चुका है अभी यहाँ पर। देखो वहाँ पे बैठ के हमारे सर मुस्कुरा रहे हैं, 10-15 मिनट से जो सवाल चल रहे हैं, आप ये सोचे कि मैं ये सब कैसे कर रही हूँ, आप यही सोच रहे हैं कि ये सब मैं कैसे कर रही हूँ। हमारे दिमाग में जो सवाल चल रहा है वो कौन सा सवाल चल रहा है और उसका जवाब क्या है, दोनों? उसका जवाब मुझे नहीं पता। सवाल, हाँ सवाल, देखो मुझे तो यही लग रहा है कि आपके मन में ये सवाल सबसे ज्यादा अभी घूम रहा है कि मैं जो ये कर रही हूँ वो सब मैं कैसे कर रही हूँ, और उसका जो जवाब है वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने बता दिया
कि ये जो मैं कर रही हूँ वो मैं कैसे कर रही हूँ, तो जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी कला के लिए डिसरिस्पेक्ट होगा, ये मेरे मतलब सभी लोगों के लिए डिसरिस्पेक्ट होगा। आपकी कला के लिए कोई असम्मान नहीं, पूरा तो मैं बता नहीं सकती ना, क्योंकि सुहानी ने बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल थे उन सबके जवाब दिए। लेकिन जैसा सुहानी कहती है कि वो कोई जादूगर नहीं है, जिस तरह से कहती है आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, चमत्कार, हाँ, ये कोई योगी नहीं है, कोई तांत्रिक शक्ति नहीं है कि हर सवाल का ये जवाब देते, लेकिन इनके पास एक कला है जिसके जरिए ये जान सकती हैं, जिसके जरिए ये अपना शो करती हैं। जी राइट, एक कला है जो एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, जो लोगों को अगर हम अच्छी तरह से प्रेजेंट करें तो लोगों को पॉजिटिव बनाती है, लोगों को ताकत देती है, खुद पे विश्वास दिलवाती है, लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालती है। और मेरे ख्याल से जादू एक ऐसी कला है जो लोगों को उम्मीद देती है कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, हम जो भी सोचते हैं वो चीज़ करना हमारे लिए मुमकिन है। जादू इतनी ब्यूटीफुल सी, इतनी खूबसूरत सी एक कला है, लोगों को इसे और प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे देश की प्राचीन कला है और जितने भी जादूगर लोग हैं उनको और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और उनका जो आर्ट फॉर्म है और एक्सेप्टेड होना चाहिए। चलिए हमारे इस खास शो को अब यहीं पर हम विराम लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी, बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ रूम में आने के लिए। जो टफ चैलेंज मिले, लगभग हर चैलेंज में आप पास हुई हैं और आखिर में आपने ये संदेश भी दे दिया। आप चाहती तो ये जवाब दे सकती थी, लेकिन आपने ये जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश की है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, तांत्रिक शक्ति नहीं है। बात इतनी है, अगर चार का क्या तो पांच का भी आप कर सकते हो, ऐसा बट सेम चीज कर सकते हो, लेकिन दैट्स व्हाट यू वांट टू प्रूव दैट मैं चमत्कार नहीं कर रही हूँ, ये एक आर्ट फॉर्म है एंड द आर्ट फॉर्म नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड मोर। एंड कोई अंधविश्वास की बात ही नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है ओ मैं आपके दिमाग में घुस के मैं कुछ करूँ, इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म एंड आई वॉन्ट इट टू बी मोर एक्सेप्टेड। चलिए अब दर्शकों को खुद तय करना है कि कहाँ आस्था है, कहाँ अंधविश्वास है, और धर्म हमें क्या सिखाता है, क्या हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना चाहिए, या फिर जो भी हमें बताया जाता है, जो भी हमें कहा जाता है कि मान लो सब कुछ, धर्म हमें जानने की प्रक्रिया सिखाता है, धर्म हमें विज्ञान के दृष्टिकोण से हर चीज को विश्लेषण करने की क्षमता सिखाता है। यही संदेश था हमारे इस खास शो का, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलना चाहूंगी तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता आपको कि क्या विश्वास करना और कहां पर वो चीज़ अंधविश्वास में बदल जाती है, इसकी सीख आपको कोई नहीं दे सकता, ये सीख अपने आप के लिए आपको ही लेनी पड़ेगी। और इसका अगर एक छोटा सा तरीका मैं आपको बोलूँ तो वो ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो उसके पीछे स्टडी करिए, उसके और नॉलेज लिए, उसको इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि किसी ने आपको बोल दिया ऐसा होता है मतलब वो सत्य नहीं है। तो वो विश्वास, जिस भी चीज़ पर आप विश्वास करते हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस विश्वास को अंधविश्वास से अंधविश्वास बनने से रोक पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। एनडीएच अचारी आलू मसाला जो है एनडीएच अचारी